हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए कपड़ों से छोटा सा पोटली बैग बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये दो कलर के कपड़े ले रखे हैं। ये कुर्ती बनाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा बच गया था तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों कपड़े मैंने बराबर के ले रखे हैं ये, और ये जो मेरा कपड़ा है ये मैंने दोनों कॉटन के कपड़े लिए हुए हैं। तो आप भी कपड़ा लेते टाइम ये बात का ध्यान दें कि जो कपड़ा आप ले रहे हैं वो थोड़ा सा थिक हो, यानी कि मोटा हो, जैसे कि कॉटन का कपड़ा होता है। अब मैंने ये कागज का स्क्वायर पीस लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई है 9 इंच की और इसकी लंबाई भी है 9 इंच की, और इसके सेंटर में मैंने बिल्कुल एक सर्कल बनाया हुआ है कोने से कोना मिलाते हुए। कोई भी एक साइड से आप नीचे पे 1.5 इंच पे एक निशान लगा लें और इस लाइन को स्ट्रेट कर दें। अब ये जो लाइन हमारी आई है इसके ऊपर वाला हिस्सा हमें इसको कट कर देना है। ऊपर कट करने के बाद अब हम नीचे वाले साइड का जो कॉर्नर है इसको कट करेंगे। ऊपर वाले साइड में छोटा वाला हिस्सा हमें नहीं कट करना है, ये जो बड़े वाले कॉर्नर्स हैं इसको हमें कट करना है। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, ये छोटे वाली साइड हम कट नहीं करेंगे, ये इसी तरह से हमारा रहेगा। अब इस कागज के पीस को हमने जो अभी कपड़ा लिया हुआ था, जो पिंक और ये ब्लू कलर का मैंने कपड़ा लिया हुआ है, इसके ऊपर रख के दो पार्ट्स पिंक के और दो पार्ट्स हम ब्लू वाले के कट करेंगे। तो ये मैंने कट कर लिए, ये देखिए दो पार्ट्स ब्लू के हैं और दो पार्ट्स पिंक वाले कपड़े के हैं। अब पिंक वाले कपड़े के मैंने दो स्ट्रिप्स कट करी हुई है। इसकी जो लंबाई है वो है 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। सेम इसी तरह से दूसरे कपड़े का भी सेम मेजरमेंट है। अब मैं एक पार्ट लेके आपको इसको कैसे मैं फोल्ड करना है वो बताती हूँ। तो मैंने एक पार्ट लिया है। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं ये देखिए, छोटे वाले विड्थ वाला जो कॉर्नर है उसको सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है, और दूसरी साइड भी सिंगल फोल्ड हम करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इसको हमें डबल फोल्ड नहीं करना है, इसको सिंगल फोल्ड करना है और तब इसमें सिलाई लगानी है। और आप ये देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें आप प्रेस कर दें। अब इसको एक फोल्ड और करें इस तरह से सेंटर से, और यहाँ पर भी आप प्रेस कर दें। इसको ओपन जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटर पॉइंट हमारा मार्क हो गया है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी बना लिया है। अब ये जो दो हमने पार्ट्स कट किए थे इन दोनों का भी मैंने सेंटर मार्क कर लिया है, और अभी जो हमने छोटी सी पिंक वाली की स्ट्रिप्स बनाई थी उसको हम इस पर लगाएंगे। इन स्ट्रिप्स को हम कपड़े के सीधी तरफ पे रखेंगे, ये देखिए सीधी तरफ पर मैं रख रही हूँ, और दोनों का सेंटर मिला हुआ होना चाहिए। और जो पिंक वाली स्ट्रिप है उसका जो ओपन वाली साइड है वो देख सकते हैं, वो ऊपर को होनी चाहिए। ये देखिए ये ऊपर वाली साइड पे इसका ओपन पार्ट होना चाहिए और सेंटर से सेंटर मिला हुआ होना चाहिए। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से रख रही हूँ, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। और अब पिंक वाला जो हमने कपड़ा लिया था इसको भी मैं बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए इसके ऊपर रख दूंगी, ये देखिए। और दूसरा भी इसी तरह से बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से हमें कपड़ा रख देना है, और इसके ऊपर साइड में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले इसको अच्छे से पिन से सिक्योर कर दें, उसके बाद ही आप इसमें सिलाई लगाएं। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि ये दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए होनी चाहिए, ये देखिए, और दोनों के बीच में हमारा जो हमने स्ट्रिप कट करी थी वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसके स्ट्रेट बिल्कुल सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है, और ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। और ओपन करने के बाद ये हमारा इस तरह से दिखेगा, सेंटर में हमारा ये स्ट्रिप आई हुई है, ये देखिए। और अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर हमें इस तरह से रखना है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर फेस करते हुए होनी चाहिए। और ये जो सेंटर में हमने स्ट्रिप रखी हुई थी ये देखिए, इसका मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए, ये मेन फैब्रिक की ओर को जो बाहर से दिखेगा, उस कपड़े की ओर को हमारी इसका फेस होना चाहिए। और अब कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए ये देखिए दोनों के कॉर्नर मिले हुए होने चाहिए, और अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने से पहले मैं इसको पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो हिले डुले ना, ऊपर नीचे ना हो जाए। इसके लिए मिलाते हुए इसको पिन से सिक्योर कर दिया है मैंने। अब इसमें मैं चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कॉर्नर देखिए बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 से 3 इंच की मैं करीब जगह यहाँ पे छोड़ूंगी और उसके बाद इसमें सिलाई लगाऊंगी ताकि इसको हम सीधी तरफ को वहां से टर्न कर दें। तो अब 1/2 इंच की जगह छोड़ते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है पूरे में, राउंड में।
तो ये देखिए यहाँ पर मैं 3.5 इंच के करीब जगह इसको छोड़ रही हूँ और यहाँ से ही इतना ही हमने सिलना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ओपन रहेगा और अब जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि जब हम इसको सीधी तरफ को फोल्ड करें तो ये इसमें झोल ना आए। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखा था यहाँ से हम कपड़े को सीधी तरफ को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आप इसमें अच्छे से प्रेस कर लें ताकि फिनिशिंग ना जाए। ये मैंने प्रेस कर दी है। अब ये जो ओपन वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ से सिल देंगे। ये देखिए ये ओपन वाली जगह है थोड़ी सी, तो इसको भी हमें यहाँ पर सिल देना है। ये देखिए मैंने इसको अब सिल दिया है और दोनों साइड से ये देखिए इस तरह से हमारा आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पट्टी ऐड करी थी, ये स्ट्रिप जो ऐड करी थी, इसको हम खींचेंगे तो जो पिंक वाला कपड़ा है वो अंदर चला जाएगा और इसको हमें अंदर को फोल्ड कर देना है। अब ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से अंदर को टर्न हो चुका है, पिंक वाला कपड़ा अंदर को टर्न हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसमें डोरी डालूंगी और इसमें मैं आप पहले देख सकते हैं इसमें देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। उल्टी साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बना है। ये देखिए कहीं से भी धागा नहीं निकल रहा है और फ्रंट साइड से भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। अब मैं इसमें यहाँ पर डोरी लगाऊंगी। अब मैंने एक ये डोरी ली हुई है, ये मैंने रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। अब इसमें पिन से एक साइड को लगा के मैं यहाँ से एक साइड से इसको डालूंगी अंदर को और इसको हमें दूसरी साइड से बाहर को निकालना है। दूसरी साइड से ये देखिए ये मैंने बाहर निकाल दी है। अब इसको हमें सेम इसी डोरी को हमें तीसरी वाली साइड से अंदर को डालना है और जो चौथी वाली साइड है वहां से इसको हम बाहर को निकाल देंगे। तो इस तरह से निकालने के बाद ये साइड से देखिए ये इस तरह से दिखेगा। अब इन दोनों डोरियों को हमें एक साथ बांध देना है, इसमें टाइट सी एक गांठ लगा दें। अब मैंने एक डोरी और ली हुई है उसमें भी पिन लगाया। अब मैं इसको दूसरी वाली साइड से डालूंगी, पहले जिस साइड से डाला था वहां से नहीं डालना है, दूसरी जगह से डालना है। और अब एक साइड से निकालने के बाद इसको देखिए हमें यहाँ से दूसरे पार्ट में डालना है और चौथे से बाहर निकाल देना है। सेम वही प्रोसेस करनी है बस दूसरी साइड से करनी है। तो ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से दिखेगा। और अब जितना आपको डोरी चाहिए उतनी डोरी रखें और इसमें भी आप दोनों को एक साथ गांठ लगा लें। मैंने इसमें गांठ लगा ली और अब इसको खींचेंगे इस तरह से तो इसका मुंह हमारा बंद हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से दिखेगा, इसको हल्का सा खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा।